नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बांग्लादेश में आखिर इस वक्त क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं। वहां पर लगातार जिस तरह की खबरें आ रही थी कि हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं पर अल्पसंख्यक लोगों पर हमला किया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक अपील करनी पड़ी वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के छात्र नेताओं से कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो लोग भी इस देश के नागरिक हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि फिलहाल अभी बांग्लादेश में किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्या पहले जैसी स्थितियाँ फिर से सामान्य हो रही हैं, जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे वो कितना शांत में है, इलाकों में क्या कुछ सिचुएशन है। क्योंकि एक तस्वीर ये भी देखने को मिली थी ढाका में, कल हज़ारों की संख्या में हिंदू जो वहाँ के समाज के लोग हैं वो लोग इकट्ठा हुए थे और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि कई अल्पसंख्यक लोगों के घरों को पूरी तरह से जला दिया गया, कई लोगों की हत्याएं हो गई। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में मीशा भी जुड़ेंगी, जो लगातार वहाँ से आ रही खबरों को देख भी रही थी कि किस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। मीशा, अगर बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे बांग्लादेश को, टूट कर अलग जरूर बना, लेकिन पाकिस्तान कहाँ रह गया, बांग्लादेश काफी आगे निकल चुका था। बिल्कुल। और वहां पर अल्पसंख्यक इतना डरे नहीं रहते थे जितना पाकिस्तान में डर रहते थे। बिल्कुल। लेकिन इस हिंसा ने सब कुछ बदल दिया बांग्लादेश में। वहाँ की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो काफी ज्यादा डराने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही लगातार हिंदुओं के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उसके बाद वहां पर जो रह रहे हिंदू है वो लगातार प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रहे कि उनकी मदद की जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के जो वहां पर है वहां पर उनसे बातचीत की है और उन्हें कहा है, मोहम्मद यूनुस जब वो शपथ ग्रहण उन्होंने की थी, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि बधाई दी गई उन्हें, और साथ ही साथ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही जो वहां के जो हालात है उसमें सुधार होंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, जो वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं के घरों को जो वहाँ पर जो व्यापारी है वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, क्यों, इस डर से कि ताकि अगर वो अपने दुकानों को खोलेंगे उसके बाद उसे अगर जला दिया गया तो फिर उनका उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रही है। और इस बीच में एक और एंगल सामने आया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। यहाँ पर ये एंगल भी देखने लायक है। उन्होंने, मैं आपको बताती, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से देश में कुछ भी घटना अगर होती है फिलिस्तीन को लेकर, जहां से लगातार असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन को लेकर आवाज उठा रहे थे, वहां पर जिस तरह की हिंसा हो रही थी, हमले हो रहे थे, यहां पर तो सवाल यहां पर बिल्कुल यही उठ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में ऐसा हो रहा है। अभी तक ना ही किसी विपक्ष के नेता की तरफ से कोई ट्वीट सामने आया, ना ही कोई बयान सामने आया, तो इसी को लेकर काफी सियासत भी देखने को मिल रही है। चूंकि बांग्लादेश की सीमाएं भारत से जुड़ती हैं और बांग्लादेश की अगर बात करें तो टेक्सटाइल का बिजनेस बांग्लादेश में काफी ज्यादा है, वहां की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल के बिजनेस में बहुत ज्यादा सहयोग है। और भारत से व्यापारिक संबंधों की अगर बात करें बांग्लादेश से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कई बिजनेस जो हैं स्टार्टअप्स हैं वो बांग्लादेश और भारत से जुड़े हुए हैं। अगर ये हिंसा यूं ही जारी रहती है तो वहाँ के जो तमाम स्टार्टअप्स हैं, वहाँ के जो बिजनेस हैं, कंपनियाँ हैं, वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आएंगी, अपनी जगह अपने लिए नई जगह तलाशेंगी, तो बांग्लादेश का ही इसमें नुकसान है। और जो खबरें चल रही थी कई जगहों पर कि तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, मौलाना हैं, वो अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों के बाहर लोग इकट्ठा होकर मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मोहम्मद यूनिस का इस तरह से बयान आना कि अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता कर देते हैं कि वहां पर वाकई में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। देखने को सामने आई कि मोहम्मद यूनुस ने भले ही कह दिया हो कि अल्पसंख्यकों पर बिल्कुल भी हमला नहीं होना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। बिल्कुल। चलिए, गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने थे, स्थितियां बनी हुई थी, और वहाँ बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर देश में किस तरह की राजनीति हो रही थी उसको बाकायदा पढ़ भी रहे थे, कवर भी कर रहे थे। गौरव, अगर बांग्लादेश के भविष्य की बात करें तो फिलहाल क्या दिखाई देता है आपको, जिस तरह से हिंसा के बाद वहाँ पर स्थितियाँ बदली हैं? देखिए, बांग्लादेश में फिलहाल हिंदुओं की जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है। मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब 1947 में जब विभाजन हुआ था इंडिया का, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था उसमें शायद हिंदुओं की जो आबादी थी वो लगभग 30% के करीब थी। फिर जो 1971 में जब वो
बांग्लादेश के रूप में जब उसका अस्तित्व में जब बांग्लादेश आया तो उस समय करीब 13% 13.5% करीब थी, अभी वो डेटा घट के 8 point something आ गया है। तो धीरे धीरे जो आंकड़े जो है हिंदुओं की जो आंकड़े में जो कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है बांग्लादेश में उससे हम देख सकते हैं कि हिंदुओं की जो स्थिति है बांग्लादेश में वो और भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप देखिए कि 200 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, हिंदू महिलाओं के साथ कैसे बर्बरता की जा रही है, जो वहाँ पुरुषों को अगवा कर लिया जा रहा है, मारपीट हो रहा है, उनके जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको नुकसान पहुंचा गया, दुकानों मंदिरों के बाहर बाकायदा वहां की मिलिट्री को तैनात किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए ताकि मंदिरों पर हमला ना हो। और वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा ये अपील की जाती है छात्रों से कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उन पर हमला ना किया जाए। देखिए अभी आप देखिए कि यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने भी जब उनको फ़ोन करके मोहम्मद यूनिस खान को जब फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आपके देश में जो अल्पसंख्यक उनकी स्थिति चिंताजनक है, तो कहीं ना कहीं मामला इतना गंभीर हो गया है कि यूएन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो स्थिति चिंताजनक है। यूएन हस्तक्षेप जानते हैं, अमेरिका तभी और यूएन तभी हस्तक्षेप करता है जब उसको वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स नज़र आता है। भारत में कोई घटना होती है, छोटी सी भी घटना होती है, अमेरिका की तरफ से उसको लेकर तुरंत बयान सामने आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह का नरसंहार हो रहा है, अमेरिका की तरफ से यूएन की तरफ से अभी तक कोई इतनी बड़ी इतना बड़ा बयान अभी तक कोई सामने नहीं आया, क्योंकि लगभग 600 से ज़्यादा लोगों की अब तक वहाँ पर हत्याएं हो चुकी हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी चिंताजनक बनी हुई हैं। अभी जब आपने और शेख हसीना ने आज जो कमेंट दिया, शेख हसीना का भी बयान है कि अमेरिका की दखलंदाजी इसमें है, कहीं ना कहीं हिंसा में। देखिए वो जब उन्होंने अभी एक ट्वीट अपना करा तो उसमें बोला था कि जो सेंट द्वीप है अगर मैं उसको उसकी सॉवरेनिटी अगर अमेरिका को दे देती और वो वहाँ पर अपना मिलिट्री जो बेस बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं बांग्लादेश में शायद ना घटते, तो चिंता की बात तो है। आप हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी की शायद रिपोर्ट थी, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, तो वहाँ उसमें लिखा उसमें उस रिपोर्ट में रिसर्च में था कि अगर ऐसे ही हिंदुओं का नरसंहार होता गया बांग्लादेश में तो आने वाली 3 दशक के बाद हिंदू माइनस में हो जाएंगे, वहाँ जीरो हो जाएंगे। तो स्थिति हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में सही नहीं है। आप देखिए अगर देखिए और कहीं ना कहीं जब तक शेख हसीना थी बांग्लादेश में तो हिंदुओं को लगता था कि उनके ऊपर कोई गार्जियन के तौर पे है, लेकिन अब देखिए अब मैं थोड़ा आपको अतीत में ले जाना चाहूँगा। जब 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था तो इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने देश का जो एक प्रारूप बनाया था उसमें उन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात कही थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। मुझे अगर डेट मैं सही से याद कर पाऊँ तो 7 June 1988 का वो दिन था जिस दिन बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि भले एक अपना इमेज बनाना चाहती हूँ शेख हसीना की, हम डेमोक्रेटिक टाइप का इमेज है, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, लेकिन जब 2010 या 11 करीब में जब वो शपथ में रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा स्वरूप भले लोकतंत्र है लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैनेज करने की स्थिति में हमेशा नजर आई है। लेकिन अब मुस्लिम दोनों को वो अलग चीज़ है कि थोड़ा उनके शासनकाल के दौरान हिंदुओं को थोड़ी सी सहूलियत थी, लेकिन धीरे 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 अब जैसे जमात इस्लामिया को देख लीजिए वहाँ, वो तो कट्टर एकदम है। आप देखिए जिन 27 जिलों में हिंदुओं की संख्या बहुलता में है वहाँ किस प्रकार से बर्बरता हो रही है। 5 August से और आज तक का आप ग्राफ उठा के देख लीजिए वहाँ लगभग 200 से ज़्यादा हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आवामी लीग के नेताओं के साथ में भी बर्बरता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा देना पड़ा, ये स्थितियाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम उपजा है जो ये राजनीतिक घटनाक्रम उपजा उसमें कहीं ना कहीं तो कोर्ट का ही तो मामला है। आरक्षण की जो देखिए जो सुगुगाहट थी इतने बड़े छात्र आंदोलन की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गौरव लगता है कि छात्र आंदोलन के नाम पर अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। वो एक कहते हैं ना कि वो दिखावा था, एक उसके पीछे एक बड़ी कहानी गढ़ी गई थी, कट्टरपंथियों के हाथ में कहीं ना कहीं देश की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। वो जाहिर सी बात है, अभी एक तो अभी जब यूनुस खान अभी वो बने थे जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले तो कैसे कैसे खबरें निकल के सामने कि अमेरिका में इनाम से उनको संबोधित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो अमेरिका को प्रिय होता है उसे ही नोबल पुरस्कार मिलता है, और आपने देखा होगा कि नोबल पुरस्कार मिला उनको, ग्रामीणों का बैंकर कहते हैं, लेकिन ठीक है उनको अपने स्तर से शासन चलाने का एक अनुभव है और 84 साल की उम्र है, जिस हिसाब से उन्होंने बांग्लादेश में कार्य किया है जमीनी स्तर से। मिशा आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी आवाज़ खुद से उठानी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं है। अगर बात की जाए 8 से 10% पॉपुलेशन हिंदुओं की बांग्लादेश में है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास आबादी बांग्लादेश की है,
क्योंकि अब वहाँ की जो सरकार है सत्ता से इतना वो रखना कि सत्ता आएगी हमें बचाएगी, हिंदुओं को खुद खड़े होना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट देखा जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग पार्टी, उसके दो हिंदू नेताओं को मारा गया। अगर आप ये पूरी पिक्चर को वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर तौर पर हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। और जब वहाँ पर हालांकि सरकार ने यहाँ से भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि अब सारे हिंदुओं को वहाँ पर एक साथ आगे आना चाहिए और अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। तो मुझे लगता है कि एक साथ सभी को आना चाहिए और अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे करके अगर हम अतीत के बारे में बात करें, अगर एक वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर हम वो ग्राफ देखें तो किस तरीके से जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कैसे कम होती जा रही है, और अगर हालात इस तरीके से बने रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे ही नहीं। CNRC का भी इसमें जिक्र हो रहा है। CNRC का जब भी जिक्र देश में होता है तो विपक्ष की तरफ से एक आवाज़ उठाई जाती है कि इसमें इस्लाम को मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं शामिल किया गया। आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर माइनॉरिटी लगातार घट रहे हैं बढ़ने के बजाय। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। वहाँ आपने देखा कि अभी हाल के दिनों में बिहार बॉर्डर, वो किशनगंज जो बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर लगता है, इस्लामपुर गांव जो था, वहाँ कितने हिंदू अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं हिंदू हैं, वो कितने लोग शरण मांगने के लिए भारत में है। वो तो BSF ने वहाँ समय से एक्टिव हो गया और अलर्ट मोड में आने के बाद चीजों लोगों को समझा के वापस बांग्लादेश भी गए, लेकिन हाथ पे हाथ स्थिति बहुत सामान्य नहीं है वहाँ। लेकिन आपको गौरव क्या लगता है कि यहाँ की सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ वहाँ पर हिंदू हैं बांग्लादेश में तो 5 करोड़ कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी लगभग इंडिया में। देखिए मैं आपको ये एक कोरा सपना हुआ कि मैं कहूँ कि मोदी जी यहाँ से कुछ करेंगे वहाँ उसका इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं झूठ झूठ फैलाने कोई मतलब ही नहीं है कि मैं लोगों को वो बस कह दूँ कि यारे मोदी जी एक्शन लेंगे बांग्लादेश में उसका रिएक्शन मिल जाएगा। मोदी जी इस स्थिति में नहीं है, मोदी जी अभी उस स्थिति में नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री उस स्थिति में नहीं है कि वो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करें, क्योंकि प्रभुता संपन्न देश है। आप उसका एक्सटर्नल अफेयर उसके पास है, वो अपना अपने हिसाब से देखेगा, आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन शेख हसीना जब तक भारत में बैठी हुई है तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास बनी रहेगी। वो तो बनी रहेगी, क्योंकि अब वहाँ की तो जमात इस्लामिया ने ये भी कहा है कि अब हमारा दुश्मन है भारत, उसने शेख हसीना को पनाह दे रखी। तो देखिए ये राजनीति से प्रेरित भाषाएं हैं, इस पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मोहम्मद यूनिस खान की मजबूरी है भारत के साथ अपने रिश्ते मधुर रखने की, ये वो अलग बात है कि सार्वजनिक मन सब क्या कह रहे हैं। इतने व्यापार जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों जब से हिंसा शुरू हुई है डेली 150 करोड़ से ज्यादा के नुकसान बांग्लादेश और भारत को व्यापार की वजह से उठाना पड़ रहा है। इसका नुकसान भारत पे कुछ नहीं पड़ेगा, भारत बहुत बड़ा देश, 140 करोड़ की यहाँ पॉपुलेशन, लेकिन बांग्लादेश में तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं टेक्सटाइल बिजनेस पर ही टिकी हुई है। आप देखिए तो स्थिति इस हद तक आ रही है कि रोज 150-200 करोड़ रुपए की नुकसान हो रही है, तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं इससे तो परेशान है। अगर आज भी चीन अगर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, आज भी अगर सेंट स्टेफन जो आइसलैंड की बात कर रही है शेख हसीना की, हमने अगर मैं दे दी होती तो हमारे वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आता, तो धीरे धीरे वो एक क्रमवार बढ़ेगा चीज़ें ना, इम्पैक्ट तो इंस्टेंट इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं चीज़ों का, तो इस वजह से चीज़ें अभी प्रभावित हो रही हैं ओवरऑल। लेकिन अगर देखा जाए मिशा और गौरव, तो बांग्लादेश की स्थितियाँ अब काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं, जो पहली तस्वीर थी उनसे अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जो आज़ादी पहले वहाँ के अल्पसंख्यक महसूस करते थे वो आज़ादी लोगों को अब उतनी महसूस नहीं होगी। लोग वहाँ के कह रहे हैं कि जब रात को वो सोते हैं तो चैन से सोते नहीं हैं कि कब उन पर हमला हो जाए, कब उनके घर को जला दिया जाए। इस तरह की स्थितियाँ वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ जो लोग इस डिजिटल लाइव को देख रहे हैं, कमेंट कर बताइए कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रही हिंसा, हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, साथ ही साथ वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, क्या कुछ आपके सुझाव हैं, आपका रिएक्शन क्या है बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।